बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्काई किचन। आज मैं आपको कोई डिश बनाना नहीं सिखा रही। आज मार्केट में स्ट्रॉबेरीज बहुत अच्छी आई हुई हैं, तो मैंने सोचा कि आपको स्ट्रॉबेरीज जो है वो किस तरह हम सेव कर सकते हैं या फ्रीज कर सकते हैं 6 महीने साल के लिए, तो मैंने कहा आज आपको वो बताती हूँ। ये मैंने 2-3 किलो स्ट्रॉबेरीज ले ली हैं फ्रेश वाली, और अब मैंने इसको 3-4 मरतबा इस तरह खुले पानी में डाल के और इसको धो लिया, वॉश कर लिया। अब मैं ये देखिए, ये मैंने 4-5 दफ़ा धो लिया था पहले, और अब मैं आपके सामने इसका पानी निकालूँगी, क्योंकि इसमें किरकिरी मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है, और अगर इसको अच्छी तरह वॉश नहीं करेंगे तो वो मुँह में आएगी। ये देखिए पानी मैंने निकाल लिया। ये स्ट्रॉबेरी को अच्छी तरह वॉश करने के बाद ये जो इसका ग्रीन पार्ट है ना, ये हम कट कर लेंगे इस तरह करके, और इसको अलहदा बाउल में निकालते जाएंगे। इसका भी मैंने कट कर लिया। यह आपने ज़रूर करना है, जब आपने स्ट्रॉबेरी घर में लानी फ़ौरन इसको धो के अच्छी तरह और इसका ये ग्रीन पार्ट कट कर लेना, और जैसे ये गली होती हैं ख़राब हुई होती हैं उनको आपने थोड़ा सा इस तरह काट के इस तरह, क्योंकि गली हुई भी डालेंगे इसमें तो वो भी ख़राब कर देगी आपकी बाकी स्ट्रॉबेरी। ये देखिए मैं तमाम जो स्ट्रॉबेरी है उसके इस तरह ग्रीन पार्ट कट कर लिए, ये देखें, और जो इस तरह की गली होंगी ना वो नहीं आपने इसमें शामिल करनी, वो अलहदा यानी कि आपने डिस्चार्ज कर दी। अब मैं आपको इसको सेव करने का तरीका बताती हूँ। ये कोई सा भी कंटेनर ले लें आप, इसके नीचे आपने ये चीनी की तैर लगा ली है, और उसके ऊपर ये आपने स्ट्रॉबेरीज भर देनी है। चीनी जो है ना वो इसको ख़राब नहीं होने देगी, ये फ्रीज आप 1 साल तक कर सकते हैं अगर लाइट नहीं जाती। अगर लाइट ज़्यादा जाती फिर तो आप इसको फौरन के फौरन ही बना लें। इसी तरह हम दोबारा से चीनी डालेंगे इसके ऊपर, शुगर आपने ज़रूर डाल दी इसमें, फिर हम स्ट्रॉबेरी रखेंगे। ये मैंने स्ट्रॉबेरी की भी तह लगा दी है, अब फिर हम जो लास्ट इसकी तय होगी उसके ऊपर भी चीनी को स्प्रिंकल कर देंगे इसके ऊपर। ये देखिए अब इस तरह आप इसको 1 साल तक भी महफूज कर सकते हैं, और इसके ऊपर ये इसका ढक्कन लगा इसको फ्रीज कर दें इस तरह। और दूसरा तरीका जो है, ये शॉपर ले लें, कोई सा भी बैग या जिप लॉक बैग मिलते हैं वो ले लें, इसके अंदर भी आप चीनी डालें और जितनी आपने स्ट्रॉबेरीज, ये रमज़ान मुबारक आ रहे हैं उसमें आप मिल्क शेक वगैरह जितनी आप आधा किलो 1 पाव करना चाहते हैं वो फ्रीज कर सकते हैं। ये फिर चीनी हम छिड़केंगे इसके ऊपर ऐसे, और इस तरह इसको बंद करके हम ऊपर फ्रीज़र में रख देंगे। तो निकालें, आधा घंटा पहले निकाल लें, ये सॉफ्ट हो जाएंगी, और इसका मिल्क शेक बनाएं, जूस बनाएं, जो भी सॉफ्ट ड्रिंक बना लें। इस तरह आप जो है स्ट्रॉबेरी को महफूज कर सकते हैं, इंशाल्लाह ताला ख़राब नहीं होंगी। आप इसको ज़रूर रमज़ानुल मुबारक के लिए सेव कर लें, और इसका रमज़ानुल मुबारक इस्तेमाल करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरी हर वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।